तो तुम्हारा रिश्ता भी ना रस्सी जैसा हो चुका है जो बहुत ज्यादा खिंच गया है, बस टूटने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ इसे तोड़ो और डिवोर्स ले। अबे क्या बोल रहा है यार तू? सही बोल रहा है मंगू, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब हमें डिवोर्स ले ही लेना चाहिए। यही फैसला है अगर तुम्हारा तो लो भाई डिवोर्स। देखो अब तुम दोनों ने अलग होने का फैसला तो ले ही लिया है, तो मैं भी ना कुछ बोलना चाहूंगा। बोल। देख भाई बुरा मत मानियो, जिस दिन तेरी शादी थी ना उस दिन से लेके आज तक मैं कुछ इच्छाएं ना दबा कर बैठा हुआ हूँ। कौन सी इच्छा? शिल्पा से शादी करने की इच्छा। क्या? मजे लीजिए। अबे पागल हो गया क्या तू? बेवकूफ, कैसी बातें कर रही है? अरे नहीं नहीं भाई मेरी बात सुन, मेरी जितनी भी इच्छाएं थी ना मैंने एक तिजोरी के अंदर लॉक करके दूर एक समुद्र की गहराइयों में घेरी हुई थी। लेकिन शिल्पा, इसका आज सुबह सुबह फोन आया और मुझसे कहने लगा मुझे डिवोर्स चाहिए, तो मेरी इच्छाएं जाग उठी और मैंने सोचा उस समुद्र की गहराइयों से तिजोरी निकाल कर एक बार खोल दी जाए। कोई तिजोरी नहीं खुलेगी, वापस से डाल समुद्र में, समझ गया तू? ये क्या समुद्र तिजोरी लगा रखा है? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? शिल्पा समझदारी तो तुम लोग अब दिखा रहे हो डिवोर्स देके। मैं तो कहता हूँ पेपर सामने पड़े हैं, ये रहा पेन, कर दो साइन शिल्पा, तोड़ दो इससे रिश्ता, मुझसे जोड़ लो रिश्ता। अरे क्यों रिश्ता जोड़ लो? अबे है कौन तू, कुछ भी बोले जा रहा है? शिल्पा पिछले हफ्ते ही मेरे को हकीम ने बोला है कि मेरे आने वाले टाइम में रोमांस का उफान आने वाला है, और देखो तुम आ गई शिल्पा। मंगू कौन सा हकीम, कैसा हकीम, क्या बोल रहे हो? मैं बताता हूँ कौन सा हकीम, इसे ना गुप्त रोग है, गुप्त रोग का मरीज है, हकीम के पास जाता अपना इलाज कराने। तुम इसके चक्कर में मत पड़ो वरना हकीम की गोलियां खिला खिला के तुम्हें परेशान कर देगा। कुछ भी बोला मारूंगा भी एक थप्पड़ खींच के। हाँ है मुझे गुप्त रोग, लेकिन तेरी तरह बातें तो गुप्त नहीं रखता ना मैं। तूने बताया था कोमल के बारे में? कोमल को आज तक ये तिरछी नजरों से कूद कूद के देखता है। ये तुम्हारे ऑफिस वाली कोमल है ना? कोमल तो अलग है, उसके अलावा रिया, श्वेता, पूजा, मीना, इतना कमीना। ए, शिल्पा एक बात बताओ मेरे को, मेरा तो इलाज फिर भी हो जाएगा, ऐसे करेक्टरलेस आदमी का इलाज कहाँ से कराओगी तुम, बताओ ना शिल्पा। अभी इसकी हरकतों के बारे में बताओ ना, तो दो मिनट में पानी पानी हो जाएगा। चार चार दिन नहाता नहीं है आदमी, एक ही कपड़े पहन के घूमता रहता है यार। इसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आती है मैं तुझे क्या बताऊं। और जुराबे, जुराबों के बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। एक बार इसके ना ये जूते उतरवा के इसके जुराबे सूंघ के ना यही मर जाएगी तू। और मेरी बीवी से शादी करने की बात कर, मारूंगा एक झापड़। क्यों सूंघे वो मेरी जुराबे? हैं जुराबे तो धुल के एक बार फिर भी ठीक हो जाएगी शिल्पा, लेकिन ऐसे आदमी का क्या करेगी जो उधारी लेके बैठा है। उधार लेता 8.5 लाख रुपए की उधारी है इसके ऊपर, और बता सारी जिंदगी सिर्फ ये कर्ज उतारता रहेगा, तुम कैसे रहेगी शिल्पा? 8.5 लाख? हाँ तो चुकाऊंगा ना मैं उधार लिया है तो। इसे छोड़ो, तुमसे शादी करके कौन सा मैंने सोने चांदी में नहा लेना, पहले ये बताओ। अरे शिल्पा मेरे साथ शादी करने में ही भलाई है, एक बात बताओ हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, और तुम यही चाहती हो ना जो तुम्हें जानता हो समझता हो उसके साथ अपना जीवन बिताओ। है मैं तुम्हें जानता भी हूँ समझता भी हूँ। चाहती थी मैं पर। अरे क्या अर पर मगर है, इस चपड़गंजू से शादी करेगी मुझे छोड़ के तू? ओए चपड़गंजू किसे कह रहा है, दोस्त तू मैं तेरा? अरे काय का दोस्त, दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। तू तू चपड़गंजू नहीं तू साले सांप है, सांप। सांप नहीं तू सफोला साले, इतने दिनों से सफोले को पाल रहा हूं मैं। सांप किसे कह रहा? सांप तुझे कह रहा हूं। तुझसे अपनी बीवी संभाली नहीं जाती, मुझे सांप कह रहा है? इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और एक बात बताओ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, 6 बजे घर आ जाता हूं, अच्छा खासा कमाता हूं, कोई नशा पत्ती भी नहीं करता। और मेरे तो हकीम ने भी बोला है कि बहुत जल्द मेरा रोमांस चरम सीमा पे आने वाला है, फिर रोमांस ही रोमांस होगा जीवन के अंदर। शिल्पा मैं तेरा मर्डर नहीं कर दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। हाँ जल्दी जल्दी साइन करो, जल्दी जल्दी। एक मिनट, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे अभी फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। अरे यार क्या वक्त चाहिए, इससे शादी करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्या तेरे को? अरे सही तो कह रहा, फटाफट साइन करो, तलाक दो इसे। ए, क्या कुछ भी मत बोल, मैं बता रहा हूँ मैं मार दूंगा तेरे को। मैं पंडित से कहेगा अगले हफ्ते का मुहूर्त भी निकलवा तो पंडित को भी जान से मार दूंगा मैं। कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त चाहिए कि मुझे शादी करनी है डिवोर्स करना है। अरे तुम अपने मकसद से फिर भटक रही हो शिल्पा, देखो मैं तुम्हें एक बार फिर। अरे ओ तू क्यों समझाएगा है, तू है कौन समझाने वाला? मेरी बीवी है मैं समझाऊंगा। एक मिनट, आज तेरी बीवी है कल तेरा डिवोर्स हो जाएगा, परसों ये मेरी बीवी हो जाएगी, और मेरी बीवी को समझाने वाला तू कौन होता है? शिल्पा समझाओ इसे। अरे शिल्पा समझा दे इसको, मैं मार दूंगा इसको। एक मिनट, साले मेरे घर में बैठ के मुझे ही धमकी दे रहा है और तू अभी तक यहाँ कर क्या रहा है? खड़ा हो भाई, देख मेरे साथ ना तमीज से बात कर, ढंग से बात कर, निकल यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ तेरे को। शिल्पा समझाओ इसे। शिल्पा 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 मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ शिल्पा, शिल्पा मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। शिल्पा शिल्पा इसे छोड़ दे, शिल्पा मेरे लिए प्लीज छोड़ दे शिल्पा, मैं बता रहा हूँ शिल्पा। शिल्पा सिर्फ मेरी है और शिल्पा मेरे बिना नहीं रह सकती। तेरी कैसे है, वो मेरी बीवी है तो मेरी होगी ना। बीवी थी, अब वो मेरी बीवी बनेगी, उसके लिए मैं जान भी ले सकता हूँ तेरी। वो मेरी पारो है और मैं उसका देवदास हूँ। पारो तो देवदास की हुई भी नहीं थी। तेरी तो है।
ये क्या बदतमीजी है? मुझे अब सोचने का वक्त चाहिए, अकेले। अब तुम कुछ दिन बाहर ही रहो। मैं कह रहा हूँ सोच मत। एक मिनट, तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रही हो? ऐसा है ना, ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, और अब अगले कुछ दिन ना मुझे दिख मत जाना घर के आसपास। दफा हो यहाँ से। आए बड़े, मेरी बीवी तेरी बीवी। शिल्पा, अरे शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा दरवाजा खोल। शिल्पा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। मंगू, मंगू मेरे भाई। ए मंगतराम, देखा ना तेरे भाई को कैसे धक्के मार के निकाला उसके घर से ही। ये देखियो, ये बैग मुंह पे फेंक के मारा इस औरत ने। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तूने भी तो निकाला मुझे अपने घर से, उसने निकाल दिया तेरे को। है जा, मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर पे रख ले भाई। अरे जाना, किसी होटल में रह। तो चल मेरे, हो गई एक्टिंग, गई अंदर। चलते हैं गोवा। गोवा इज ऑन। गोवा जाने के लिए क्या क्या करवा दिया यार, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अरे उसको छोड़ना, तू मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है पहले। भाई बहुत मुश्किलों से ना मैंने ये प्लान बनाया और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और वैसे भी शादीशुदा लोगों को कहाँ मौका मिलता है गोवा घूमने का? इतना अच्छा मौका, एक हफ्ते एंजॉय करेंगे दोनों भाई, एंजॉय करेंगे दोनों भाई। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? अरे उसको छोड़ यार, तू चल ना। एक बार बता, तेरा बैग कहाँ है? अरे बैग गाड़ी में। हाँ तो फिर बैग गाड़ी में, तो गाड़ी में यार। क्या घुट रो, घुट रो यार।